फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं मेरी वीडियोस में आप लोग देखते हो कि मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे ऐसे जगह पे जाऊँ जहाँ मेरे रिश्तेदार हो, जहाँ मेरे दोस्त हो, जहाँ पे मेरा खर्चा बच जाए। वैसे मैं आज जहाँ पे आया हूँ, ये जो जगह है ना, ये वैसे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट हमारे यहाँ लोकल बहुत फेमस है। अगर आपको थोड़ा फॉरेस्ट पसंद, थोड़ा जंगल पसंद, तो आप आके यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं भी पूरा सियोरिटी नहीं दे सकता हूँ, एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ आएगा कि आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो कि नहीं। और आज मैं किसके यहाँ आया था, मैं जीजा जी के नए नवेले जीजा जी के यहाँ पे मैं आया था। तो इनका घर यही पास में है। कल रात पूरा देर रुके हम लोग, और अभी हम लोग जीजा जी बहुत मेहनत की कि हम लोग को ठाई तक छुड़वा दिया कुछ करे। मैं बोला नहीं, हम लोग पहले घूमते हैं, घूम के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जीजा जी को अलविदा करते हैं। और ये जो जंगल है ना, ये बहुत बहुत फेमस है हमारे यहाँ लोकल में। इसको लोग बोलते हैं कि एक यहाँ पे कई कहानियाँ भी फेमस है कि ऐसा यहाँ पे जो डकी वन है ना, ये यहाँ पे बहुत डकीत, मतलब डकैत होता है ना, इस टर्म्स बंगालीज में डाकाट होता है एंड हमारे में डकैत होता है। तो ये वन उसी नाम से फेमस था कि यहाँ से एक टाइम था जब यहाँ से गुजरना, दोपहर के टाइम में अगर आप गुजर रहे हो ना, तो आपको रहता था कि भाई इतना घना जंगल है यहाँ पे, चोर लोग का एक मतलब अड्डा था ये जगह। तो उससे निकलकर अभी बहुत सही ये जंगल हो गया। लाइक अभी तो वो सब बातें नहीं है, अभी जो बातें हैं वो है, मैं अब आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और चलिए, हम लोग एक टाइम था जब लोग जंगल से निकलकर शहरों की तरफ आए थे, लेकिन अभी आज हम लोग कह रहे हैं शहर से रोज निकल कर जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं जंगल को, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से एक्सप्लोर करना। अब भाई भी आज मेरे संग आया है। तो और ये जगह बहुत फेमस है इस मामले में कि यहाँ पे लाइक बहुत बड़ा जंगल है। आप गूगल मैप में देखोगे ना, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ इसमें, आप देखो कितना बड़ा जंगल है ये। हम लोग एंटर कर गए जंगल में, और आज मैं प्लान कर रहा था तपोवन जाने का, बट तपोवन जाना नहीं हुआ। पता नहीं अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे बहुत जन बोलते हैं बहुत कुछ है के अंदर अंदर जंगली शुअर मिल जाएंगे, भेड़िया तक मिलता है ऐसा कहते हैं लोग। हमको रास्ते का कोई आइडिया नहीं, कोई प्लान नहीं है। अब जहाँ जहाँ मेरे को मिल रहा है वहाँ बस हम लोग चल रहे हैं, और एक एडवेंचरस टाइप का कुछ कुछ तो एक होगा। चल अंदर चल, हम लोग गलत घुसे हैं। चेंज द रो। जंगल में आके एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि लगता है हम लोग नेचर से लिटरली कितना कनेक्ट है, नेचर हमारे कितना करीब है, और ये होना चाहता है हमारे करीब, लेकिन हम ही उससे दूर बस दूर भागते जा रहे हैं। धूप एकदम सर पे है, फिर भी हम लोग निकले हैं। हमारे पास पानी का बॉटल नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। हम लोग ऐसे आ गए ना जहाँ से हम लोग खो सकते हैं, पूरे जंगल में खो जाना। अब हम लोग ऐसे आ चुके हैं कि हम लोग बहुत दूर छोड़ के आ गए हैं रास्ते को, और हम लोग एकदम प्रॉपर लग रहे हैं बीच वाले जंगल में आ गए। बहुत देर का प्रॉब्लम हम लोग को हो गया, गुजरे एक घंटा से पानी प्यास लग चुका है। हमारे पास कोई बॉटल भी नहीं है, मेरे पैर का हालत तो बेहाल हो चुका है। हम लोग काफ़ी अंदर एंटर कर चुके हैं, अब वो वाला फील आ रहा है ना कि हम लोग रास्ता घूम चुके हैं, जंगल के बीच में रास्ता घूम चुके हैं, अब वो फील आया। अब हम लोग को निकलना है, अब किस साइड निकलेंगे हम लोग, रास्ते की साइड निकलेंगे कि नहीं हम लोग को पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ गूगल मैप का हेल्प लूँ थोड़ा सा और ले के फिर हम लोग निकलते हैं। हम टोटली खो चुके हैं, और हमारा गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा, यहाँ पे नेटवर्क का सब प्रॉब्लम हो रहा है, गूगल मैप काम नहीं कर रहा है। मेरे को अब समझ नहीं आ रही इधर जाए। इधर तो पूरा और भी घना जंगल मेरे को दिख रहा है, इधर थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, तो मेरे को लग रहा है इधर ही निकलना चाहिए, बट अब हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं। सच्ची भाई
हम लोग सच्ची बीच में आ गए, मेरे को बस वहीं से थोड़ा दिख रहा है। इधर से जाना चाहिए, चल मेरे को तो यही लग रहा है कि इधर से हम लोग जाना चाहिए। भाई आ जा, रास्ता तो मिला है मेरे को, देखा जाए रास्ता सही है कि नहीं। आ जा मैं तो कब से ले जाऊंगा। धूप एकदम सर पे है, इसको बोलते हैं सर पे। गाड़ी का आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो मेरे को लग रहा है अब हम लोग सही जा रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे इस जंगल में आए हुए अप्रोक्स 2 घंटे हो गए। 1 घंटा तो हम लोग ने पूरा अंदर घुसे, हम लोग 2 घंटा नहीं हुआ है, 2 घंटा थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन टाइम हो गया काफ़ी। और मेरे को बहुत जोर का प्यास लग चुका है, इवन भाई को भी लग चुका है। हम लोग यहाँ, अब मैं जिस वे से जा रहा हूँ ये यहाँ पे पूरा प्रॉपर रास्ता है, मेरे को मिल गया। मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं मेरे को लेके जाएगा। हम लोग आ गए रास्ता के पास, पहुँच गए हम लोग। तो दोस्तों अभी मैं एक और चीज़, अभी हम लोग ट्राई करेंगे हिचहाइक करने का। जब हम लोग कल आए ना, तो कल हम लोग हिचहाइक करके आए, आज फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ। दोनों ट्राई करेंगे, अगर हम लोग को नॉर्मल मिल गया कोई लोकल टेम्पो वम्पो मिल गया लेकिन हम लोग उसमें जाएंगे नहीं, वरना फिर हम लोग लिफ्ट मांगेंगे, देखते हैं क्या होता है। एंड फिर से हम लोग पहुँच चुके हैं इन रोड, काफ़ी मतलब इस तरफ कम कंपेयर टू है, इस तरफ भयानक जंगल है और पूरा शांति। आप लोग आ सकते हो, अगर आप देवघर आ रहे हो ना तो अपने एक्सप्लोर लिस्ट में, अगर आप आपको ऐसे एडवेंचरस एक्सप्लोरेशन पसंद है कि अगर फैमिली के साथ नहीं आ रहे हो, ऐसा बस ऐसे रैंडम आ रहे हो आप, तो मेरे को लगता है यहाँ पे आके एक बार आप घूम के जा सकते हो। ये आपका देवघर से मधुपुर जाने वाला जो रास्ता है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। देवघर से मधुपुर जाने वाला जो रास्ता है उसमें बाड़ा टैंड बोल की एक जगह है, वहीं से आपको अंदर की तरफ एंटर करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड डके वन, इतना है इसके बारे में। चाहो तो आ सकते हो, मतलब ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया, ऐसा आना ही है, बट यहाँ आप चाहो तो आ सकते हो। वैसे भी मैं फोर्स नहीं कर सकता आपको, बट हाँ अच्छा लगा मेरे को एक्सप्लोर करके, बहुत सुंदर है। और कुछ अलग अगर एक्सपीरियंस करना है आपको, तो अगर नॉर्मल देवघर टूर करने आ रहे हो तो मतलब वैसे तो आप घूम ही सकते हो, वैसे नॉर्मल देवघर में बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ अलग देखना है, कुछ नया ट्राई करना है देवघर के अंदर, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस प्लेस, सही है एकदम। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो अभी हम लोग यहीं पर हिचहाइक करने वाले हैं, यानी लिफ्ट मांगने वाले पूरे घर तक का, तो अभी नेक्स्ट वीडियो यही आने वाला है। तो ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं इस वीडियो में उसको ऐड नहीं कर पाया, तो उसको अगली वीडियो में अपन ऐड करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो आ रहा है, थोड़े दिन बाद वो अगर आ गया तो आप देख रहे हो मेरे वीडियो को थोड़े दिन बाद, तो वो वीडियो आ रहा होगा ऊपर आई बटन पर, वरना आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देखो, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा वो वीडियो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अपने ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और नेचर का ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी हमारी हिचाइक वाली वीडियो में।